देते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है, तो इसको चेक करते हैं x इक्वल टू पाई पे k का वैल्यू निकाल रहे हैं। हम लोग पहले एल एच लिमिट लेते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो सॉरी x टेंस टू पाई पावर में माइनस, और फंक्शन आपका है fx, लिमिट x टेंस टू पाई पावर में माइनस fx का वैल्यू, तो यहाँ से पाई से लेस देन के लिए यहाँ पर हो जाएगा के एक्स प्लस का वन आ जाएगा यहाँ पे के पाई प्लस वन, ठीक है। आर एच एस में आर एच लिमिट में लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई पावर में प्लस और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई पावर में प्लस और एफ एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे पाई बाई टू से ग्रेटर के लिए कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो कॉस पाई और कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस का वन, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में पहले से ही कंटिन्यूअस कह रहा है कि एफ एक्स जो है, एफ पाई को निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से काम हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में पाई, पाई पे कंटिन्यूअस है तो इसका एल एच लिमिट आर एच लिमिट के इक्वल नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, एल एच लिमिट जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आर एच लिमिट के, ठीक है। तो इसका वैल्यू है के पाई प्लस वन और इधर है माइनस का वन, ये प्लस का वन उधर जाएगा तो यहाँ से के पाई इक्वल टू में माइनस का टू यानी के इक्वल टू में आएगा माइनस टू बाई में पाई, समझ गए। चलिए 36 का